आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूं इमरान। संदिग्ध परिस्थितियों में रश्मि सेन की मौत। मृतका के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। छतरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत विश्वनाथ कॉलोनी में रहने वाली रश्मि सेन की मौत हो गई, जिसका शव जिला हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर पड़ा रहा। उनके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए महिला की मृत्यु होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। उनका आरोप है कि मेरी बेटी, जिसके साथ पत्नी बंद कर रह रही थी, उसने हमको महिला की मृत्यु के अलग अलग कारण बताए, जिससे संदेह पैदा होता है। हम आपको बता दें कि उक्त महिला महाराजपुर की रहने वाली है, जिसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उक्त महिला विश्वनाथ कॉलोनी में दीनदयाल विश्वकर्मा के साथ रह रही थी और उसकी एक 5 वर्ष की पुत्री भी थी। अभी 1.5 माह पहले डिलीवरी में बच्चा भी हुआ था, लेकिन आज उसकी मौत हो गई, जिससे महिला के भाई, चाचा व परिजनों ने आरोप लगाया है कि दीनदयाल विश्वकर्मा ने पहले रात में 3 बजे हॉस्पिटल में इलाज कराने आने को कहा, फिर बाद में सुबह 7 बजे इलाज के लिए हॉस्पिटल लाने की कहने लगा। वह 2 पर्चे अलग अलग नाम से दीनदयाल विश्वकर्मा ने बनवाए। इससे उन्हें शक है कि मृतका की मौत में जरूर कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। छतरपुर से एमपी 7 न्यूज के लिए अरविंद वर्मा। फॉर्मेलिटी वाला मत का उरा साहब, दो नाम बात जी है ना। क्या नाम है आपका? हमारा राहुल सेन है ना। आप इस मृतक का कौन है? मेरी सिस्टर है। अच्छा, सिस्टर है। तो क्या लगता है आपको, क्या हो गया होगा? तो जैसे कोई दिक्कत थी तो मेरे को फोन तो लगा दी या बता दी मेरे को। तुमने जब लगाया फोन, जब वो खत्म ही हो गई सुबह 7 बजे, तो मेरे को 7 बजे 7 बजे की 3 बजे सुबह 7 बजे बताया तुझे, इनने 3 बजे के ये बताया मेरे को कि वो 3 बजे में अस्पताल लेके आया, उनके घर से बीमार हो गया। ठीक है, तो फिर मैंने तो बोला कि कानम करके तुमने 7 बजे बताया, पहले जब पेशेंट खराब था तो हमें 2-3 दिन पहले फ़ोन लगा के बताते, या मेरे घर पे आते तो मेरे को सूचना तो मिलती। अब तुमने सूचना दी, वो भी जी पूरी एंड हो गया। जब भी क्या आपको शक है? शक तो पूरी है साहब की 7 बजे तुमने पर्चा भी बनवा तो दो वेरायटी भी बनवाए, पहले उनके फिर अपने। जब हम उन्होंने गल्ला किया तो तुमने अपने नाम का पर्चा बनवा लिया, उसमें नाम दर्ज कर। अभी वर्तमान में कहाँ पर निवास था आपकी सिस्टर का? इनका अभी हाँ अभी ये दादा कौन कॉलोनी? विश्वनाथ कॉलोनी। विश्वनाथ कॉलोनी में रहती थी। निवास इनका सुंदराम चौका के है ये रहने वाले। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।